तो मेटामेरिज्म का सीन ये है कि पहले आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है? दो तरफ एल्काइल ग्रुप से जुड़ता हो, जिसमें दो एल्काइल ग्रुप जुड़ते हो। तो फिर इसी बात है, इथर ऐसे में आएगा, इथर के अलावा सेकेंडरी अमाइन ऐसे में आ जाएगा, उसके अलावा अगर हम लोग बात करो, तो यहाँ पे अगर मैं अमाइड बना दूं, सेकेंडरी अमाइड, या मैं एस्टर बना दूं, या मैं एनहाइड्राइड बना दूं, तो सीधी सी बात है, इधर भी एल्काइल होगा, इधर भी एल्काइल होगा, इसमें भी इधर एल्काइल होगा, इधर एल्काइल होगा, एनहाइड्राइड में भी दोनों तरफ एल्काइल होगा, या थायोइथर बना दिया। तो ये सब किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है? डाइवेलेंट है, ठीक है। तो ये डाइवेलेंट कंटेनिंग हेटेरो एटम, मैं ये लिखूंगा डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हेटेरो एटम। हेटेरो एटम का मतलब समझते ही हो, क्या होता है? कार्बन नाइट्रोजन के अलावा अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन वगैरह जो भी है, ये तो डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग क्या है? हेटेरो एटम। तो उसमें कौन कौन आ जाएगा? इथर आ जाएगा, सेकेंडरी अमाइन आ जाएगा, सेकेंडरी अमाइड आ जाएगा, एस्टर आ जाएगा, एनहाइड्राइड आ जाएगा, या थायोइथर आ जाएगा। देखो इस चीज को पहले से जल्दी से, तो इसमें देखो मेटामेरिज्म क्या होती है, तो अगर दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका इस डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट या तो नंबर ऑफ कार्बन एटम में डिफरेंस है, या फिर नेचर ऑफ कार्बन चेन में डिफरेंस है। इन दोनों बातों का क्या मतलब बनता है वो मैं बता दे रहा हूँ। पहले इधर ध्यान दो, मेटामेरिज्म कब बोलेंगे हम लोग? मॉलिक्यूल विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन और नेचर ऑफ कार्बन चेन, नेचर ऑफ कार्बन चेन। मॉलिक्यूल विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन और नेचर ऑफ कार्बन चेन। नेचर से पहले एक वर्ड और डालना था, और डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन, डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन अबाउट डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट अगर या तो नंबर ऑफ कार्बन में फर्क हो या नेचर ऑफ कार्बन चेन में फर्क हो, तो उसको तुम लोग ऐसे मॉलिक्यूल के रिलेशन को कौन सा नाम दोगे? मेटामेरिज्म नाम दोगे। डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, देन मॉलिक्यूल्स आर मेटामर्स, देन मॉलिक्यूल्स आर मेटामर्स। इसका जो सीधा सीधा और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो आता है इथर से। क्या आता है इथर से? अगर मैं एक तरफ दो कार्बन कर दूं और एक तरफ दो कार्बन कर दूं, टोटल चार कार्बन है, दो को एक तरफ कर दिया, दो को एक तरफ कर दिया, फिर एक तरफ मैंने तीन कार्बन कर दिया और एक तरफ एक कार्बन कर दिया, फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, लेकिन उस डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के और नंबर ऑफ कार्बन बदल गया। तो इस टाइप के केस को तुम लोग क्या बोलोगे? मेटामर्स बोलोगे। अच्छा, ये दूसरे वर्ड का क्या मतलब है? डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। मान लो मैं एस्टर लेता हूँ, तो एस्टर लेता हूँ, तो एक तरफ मैंने मान लो साइक्लोहेक्सेन जोड़ा, दूसरी तरफ मैंने बेंजीन जोड़ा। अब इसी को उल्टा कर दूं, एक डबल बॉन्डेड कार्बन वाले के साथ बेंजीन को जोड़ देता हूँ और ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ साइक्लोहेक्सेन को जोड़ देता हूँ, तो क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है? नहीं है, वही सी बात है। कार्बन आगे उधर भी छह, इधर भी छह, यहाँ भी छह, लेकिन सीधा सा डिफरेंस है नेचर ऑफ कार्बन चेन बदल चुकी है, और नेचर ऑफ कार्बन चेन बदल जाने की वजह से उधर जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा साइक्लोहेक्सेन, इधर डबल बॉन्डेड से जुड़ा बेंजीन, तो इन दोनों के आपसी रिलेशन को कौन सा नाम दोगे? मेटामेरिज्म। तो ये दो मेटामर हैं, ये दोनों भी क्या है? मेटामर हैं। अच्छा, क्या ये वाला सीन इथर के अबाउट बनता है? इथर के अबाउट, इस ऑफ के अबाउट इधर इधर पलटते हैं से बनता? ऑब्वियस बात है, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि दोनों तो सेम ना हो जाते, यहाँ तो कार्बन से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, उसमें तो क्या
हाँ, उसी ऑक्सीजन से जुड़ना था, तो चाहे उधर दिखाओ चाहे इधर दिखाओ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, मेटामर का एग्जाम्पल हो गया। मेटामर में डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट जो है डिफरेंस आना चाहिए नेचर ऑफ कार्बन चेन में या नंबर ऑफ कार्बन चेन में। एक चीज हो कि कुछ टीचर लोग जो है कुछ बुक वाले हमेशा कुछ ना कुछ एम्बिग्युटी रहती है, हर कोई चीज को टेक्निकली अपने आप से कोई समझना चाहता है, हर किसी का दिमाग अपने तरीके से काम करता है। तो एक क्या है, कुछ टीचर लोग जो है या बुक वाले भी जो है कि डॉन वाला जो केस होता है और जैसे ये है टू पेंटेनो या ये वाला केस है थ्री पेंटेनो, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को भी कुछ टीचर लोग मेटामर में रखते हैं। क्यों, बात तो वही थी डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो पिटोन भी तो क्या डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है और उसमें क्या पिट्रो एटम भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेरी समझ कहती है कि पिट्रो एटम आने का मतलब ये थोड़ा ही साइड में आ गया, ठीक है, पिट्रो एटम आने का मतलब तो क्या उस जहाँ एक चेन से दूसरे चेन में जा रहे हो, ठीक है, एक कार्बन से क्या दूसरे कार्बन में जा रहे हो दूसरी चेन में, तो उस पिट्रो एटम के थ्रू गुजरना पड़े, इन सब में क्या उसके थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला तो डबल मोंक है ऊपर है, ये तो कंप्लीट अपने आप में एक सिंगल चेन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे उस हीटर आइटम से गुजरना थोड़ना पड़ा, ठीक है, या यहाँ पे भी अपने आप में क्या है कंप्लीट चेन है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको कुछ टीचर लोग जो है इसको मेटामर की कैटेगरी में रख देते हैं, बुक में भी मेटामर के एग्जाम्पल में ये मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ना इसे मेटामर नहीं मानूंगा, ये एक सिंगल चेन है बस, सीधा सीधा जो डिफरेंस है वो उसकी पोजिशन में है, ये पेंटेन टू ऑन और ये पेंटेन जैसे यहाँ गुजर रहा है या यहाँ गुजर रहा है या बाकी सब में गुजर रहा है, साइड वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है उस कंडीशन में, तो ये अपने आप में क्या हो रही है सिंगल चेन हो रही है। तो इसको मैं तो एटलीस्ट मेटामर ना मान के पोजिशनल भी मानूंगा, बाकी इसका जो भी इसको देख लेना, ठीक है। कुछ बुक में अगर मेटामर लिखा हो तो मेरे से आगे लड़ाई मत करने लगना, ये सर ने तो बताया है, बता दो इसको। ये मेटामेरिज्म के बाद जो सबसे जबरदस्त पढ़ाना होता है, ठीक है, जिसको कुछ बताना होता है, लेकिन मुझे इस स्क्रैच को देख के समझ में नहीं आ रहा कि उस स्क्रैच उसको पढ़ाने करने का क्या सिक्वेंस होगा, कितना पढ़ाऊँ और कितना छोड़ू, ठीक है, बहुत बुरी हालत है इस स्क्रैच की वजह से, ठीक है। चलो लिखो तुम लोग कौन सा टोटोमेरिज्म स्टार्ट करो, मेटामेरिज्म के बाद अगला एग्जाम उसमें टोटोमेरिज्म। जो भी पढ़ रहे थे हम लोग आइसोमेरिज्म, ठीक है, उसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में
कन्वर्ट करने के केमिकल मेथड्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम वगैरह वाला कोई सीन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तुम लोगे एक स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉल्यूशन में मान लो तुमने एक स्ट्रक्चर ले ली, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसकी वो जो दूसरी स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, वो अपने आप बन जाएगी थोड़ी देर बाद, और दोनों के बीच में अपने आप में एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, वो क्यों होगा, क्योंकि कुछ कारण से, कारण अपन डिस्कस कर लेंगे, कुछ कारण से एटम जो है दो एटम के बीच में क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करता रहता है। अब उस ऑसिलेशन का कारण क्या होता है, और जनरली ऑसिलेट करने वाला एटम हाइड्रोजन होगा। ठीक है, क्या होता है जरा इसको सुन लो। ठीक है, जैसे अब तुम लोग किटोइनोल टॉटोमेरिज्म जानते हो, ठीक है, वो सबसे फेमस एग्जांपल है। ठीक है, तो किटोइनोल में क्या है, जैसे ये एक बात हो यहाँ पे है, तो कहने को तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है, कहने को तो ये एल्डिहाइड है, लेकिन इसको भी कीटो कैटेगरी, किटोइनोल टॉटोमेरिज्म के दौरान इसको कीटो फॉर्म का ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये कीटो फॉर्म है। अब ये हाइड्रोजन इस सी एस टू से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन टूट जाए और टूट करके किसके साथ आ जाए, ऑक्सीजन के साथ आ जाए, तो उसका जो बॉन्ड बढ़ा इधर, ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर बढ़ रहा है, तो बदले में कार्बन से तोड़ लेगा, और कार्बन से जब तोड़ेगा तो उधर वाला जो कार्बन है उसका भी तो एक बॉन्ड टूटा था, इसका भी टूटा, दोनों बेचारे दुखी लोग आपस में जुड़ जाएंगे, एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बोलो सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच और यहाँ सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर, इसको तुम कौन सी फॉर्म से जानते हो, कीटो फॉर्म से, और इसको किस फॉर्म से जानते हो, इनोल फॉर्म से। ठीक है, तो ये कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म किस वजह से बनी है, और इनकी खासियत क्या है, खासियत ये है कि तुम एक फॉर्म उठाओगे दूसरी फॉर्म अपने आप में भले वो 0.1% 0.01% ही बन रही हो, कहीं कहीं 50% ही बन रही हो। ठीक है, लेकिन बात यह है कि दोनों का कुछ मतलब, एक स्ट्रक्चर लोगे तो दूसरी स्ट्रक्चर जो है, एक स्ट्रक्चर लोगे दूसरी स्ट्रक्चर अपने आप बनेगी, और उन दोनों के बीच में जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बाकी केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि दो स्ट्रक्चर आपस में इक्विलिब्रियम बना रही है। तो टॉटोमेरिज्म बताने का मेन पर्पज यही होता है, कहने को तो इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी बोल देते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल देने से वो वाली फील नहीं आती ना जो हमें पता होनी चाहिए कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इक्विलिब्रियम बना रही है। तो इस इक्विलिब्रियम वर्ड को अलग से शो करने के लिए हम लोग कौन सी चीज यूज, कौन सा वर्ड यूज करें, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म का मतलब है कि हम लोग दो ऐसी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें अगर तुम एक लोगे तो दूसरा अपने आप बनेगा, और दोनों स्ट्रक्चर आपस में इक्विलिब्रियम बनाएगी, और वो जो दो स्ट्रक्चर बनती है वो किस वजह से बनती है, पर्टिकुलरली मोस्टली हाइड्रोजन एटम के दो एटम के बीच में नाचते कूदते रहने से, कभी कार्बन के साथ चला गया, कभी जो है ऑक्सीजन के साथ चला गया, और इसका नतीजा ये होगा कि दो अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, दो उसमें फंक्शनल ग्रुप के हालांकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो कहने को तो इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जैसा भी बोल सकते थे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की जगह टॉटोमर बताने का पर्पज यह है कि वो इससे यह क्लियर हो जाता है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मेन वर्ड इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम वर्ड जरूरी है कि एक लोग दोनों बन जाएगी। ठीक है, तो लिखो पहले तो इस चीज को, ऊपर वाली चीज उतारो फिर मैं लिखा, कॉपी में नोट करो। टू इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर विच एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, एक मिनट लिखना, टू इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स ड्यू टू ऑसिलेशन, टू इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स, two interconvertible structures due to oscillation, due to oscillation of an atom, due to oscillation of an atom, bracket में लिखना mostly ये atom कौन सा है, mostly proton लिख लेना, H की जगह proton लिख लेना, क्योंकि H plus form में वो इधर उधर नाश्ता पूछता है, तो mostly proton, H plus and proton से अपन उसके बाद ऑसिलेशन ऑफ एटम बिटवीन टू एटम्स, ऑसिलेशन ऑफ एन एटम बिटवीन टू एटम्स, एंड दी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, एंड दी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, these structures exist in equilibrium with each other, these structures exist in equilibrium with each other, and therefore, sorry,
exist in equilibrium with each other are known as protonomers, are known as protonomers, and this property is called tautomerism. क्या समझे हो रहे अल्टीमेटली दो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक एटम के दो एटम के बीच में मोस्टली हाइड्रोजन एटम के दो एटम के बीच में ऑसिलेट करने से बनती है और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती है तो इनके रिलेशन को टॉटोमर और प्रॉपर्टी को टॉटोमेरिज्म बोल रहे हैं आपको ठीक है आगे ध्यान दो ये जो टॉटोमेरिज्म होती है स्टार्टिंग में इसको दो टाइप में बोला गया था कौन से दो टाइप में एक बोला गया था डायड सिस्टम प्रोड्यूसर ट्राइड सिस्टम ठीक है तो ये लिखो कॉपी में ठीक है डायड सिस्टम क्या था डायड सिस्टम का तो सीधा सा मतलब था ना अगर जो ऑसिलेशन हो रहा है वो अगल बगल वाले दो एटम के बीच में होता है ठीक है किसके बीच में अगल बगल वाले दो एटम के बीच में हो रहा है तब तो वो डायड सिस्टम था इसका सीधा सा एक एग्जांपल ही बता दे रहा हूँ एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ठीक है ये थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इक्विलिब्रियम बनाएगा ठीक है ये हो जाएगा एच एन और सी ये प्लस दिखाना पड़ेगा ये माइनस दिखाना पड़ेगा ठीक है लेकिन यहाँ पे जो भी किया उसको सुन लो क्या है इधर कार्बन के साथ जुड़ा था कार्बन से अलग हो गया नाइट्रोजन के साथ जुड़ा ठीक है तो कार्बन से अलग हो गया जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ा तो ये दो फॉर्म बन गई ठीक है ये दो फॉर्म एक दूसरे की क्या है डायड फॉर्म की टॉटोमेरिज्म ठीक है टॉटोमेरिज्म केवल कीटो इनोल ही नहीं होती है टॉटोमेरिज्म और कई फॉर्म में होती है अभी भी हम और भी डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये डायड सिस्टम का एक एग्जाम्पल दिया तुम्हारे सामने ठीक है और लिखो अभी तो ये तो डायड सिस्टम है डायड सिस्टम का बोला जाएगा जब अगल बगल वाले एटम के बीच का ऑसिलेशन सॉरी दो अगल बगल वाले एटम के बीच में ऑसिलेशन ठीक है ये तो डायड था उसके बाद सुनो कौन सा सिस्टम ट्राइड सिस्टम ठीक है ट्राइड सिस्टम में जो ऑसिलेशन होगा वो वन है थर्ड के ऊपर होगा ठीक है ट्राइड सिस्टम का जो ऑसिलेशन होगा वो पहले और तीसरे के बीच में होगा ठीक है और पहले और तीसरे के बीच में ऑसिलेशन होने के लिए जो कंडीशन चाहिएगी आप लोगों को वो कुछ ऐसी कंडीशन चाहिएगी ऐसी ए और बी ए के साथ एच जुड़ा होगा ए बी से जुड़ा होगा और बी का सी के साथ डबल बॉन्ड होगा ठीक है ऐसा सिचुएशन होगा ठीक है ए के साथ जैसे हाइड्रोजन जुड़ा होगा ठीक है फिर ए आगे बी से जुड़ा होगा और बी आगे डबल बॉन्ड फॉर्म में सी से जुड़ा होगा और जब ऑसिलेशन होगा ठीक है तो ऑसिलेशन के दौरान ए आ जाएगा किसके साथ सी के साथ और जब सी के साथ जाएगा तो बदले में ये जो बॉन्ड है वो ए और बी आपस में बना लेंगे ठीक है तो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड होते हुए सी के ऊपर भी आ गया एच आ गया मतलब जो ऑसिलेशन हुआ वो वन थर्ड के बीच में हुआ इस वन थर्ड सिस्टम को हम लोग कौन सा बोलते हैं ट्राइड सिस्टम ठीक है तो मोस्टली जो हम लोग टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं वो इसी फॉर्म की होती है किस फॉर्म की ट्राइड फॉर्म ठीक है देखो इस चीज को हल्का सा ट्राइड सिस्टम के मैं कुछ अच्छे एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है एक ट्राइड सिस्टम का एग्जांपल बोर्ड के ऊपर अभी ऊपर लिखा हुआ था लेकिन दोबारा से लिखा हुआ ठीक है कौन सा है सबसे पहला तो इसका जो सबसे फेमस और जो आपने ठीक है वो कौन सा है कीटोइनोल कौन सी कैटेगरी में आएगा ट्राइड में आएगा अभी लिखा था दोबारा लिख दो ठीक है सी एच टू सिंगल और ये क्या है ये एच है वो डबल बॉन्ड है तो ये मान लीजिए ए है ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए ठीक है जो कंडीशन चाहिए थी वो हमारे पास है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रहते हुए ठीक है तो मैं बताया था पहले से तोड़ देना और तीसरे से जोड़ देना और तीसरे से जब जोड़ोगे इसको के साथ ला के जोड़ोगे ठीक है तो इसके एक्स्ट्रा बॉन्ड में यहाँ से जो है ऑक्सीजन को अपना बॉन्ड तोड़ना होगा तो वो वाला बाई बॉन्ड किसके बीच में आ जाएगा दोनों कार्बन के बीच में मैकेनिज्म बात बताएंगे मैकेनिज्म होती है ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से तोड़ दिया जोड़ दिया ऐसे इतना आसान तोड़ना होता है प्रॉपर मैकेनिज्म होती है इसके होने की ठीक है तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास बोलोगे राइट सिस्टम का पहला एग्जांपल ठीक है उसी तरीके से देखो इसका नाम मैं बाद में लिखाऊंगा पहले देखो ठीक है ये जो चीज है क्या चीज C
सी एच और यहाँ पे मान लो मैं कर देता हूँ डबल बॉन्ड एन एच, ठीक है। इस फॉर्म के कंपाउंड को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं, डबल बॉन्ड एन एच, ठीक है। और ये जो इस फॉर्म का कंपाउंड होता है ना सी एच डबल बॉन्ड एन एच फॉर्म का, इसी को हम लोग सिप्स बेस बोलते हैं। एक सिप्स रिएजेंट होता है, वो अलग चीज होती है, और ये सिप्स बेस होता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें तो इस केस में क्या होगा, बदले में सामने क्या बने होगा लोगे, यहाँ सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और यहाँ एन एच टू, हाँ। इस फॉर्म को हमने सी दो बोला था, और इस फॉर्म में ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है उसके लिए इन और इसके लिए और, ठीक है। तो इसीलिए तो इसे क्या बोले हम बिटो इन और बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से अगर ये इमाइन है तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड की वजह से इन और एन एच टू की वजह से अमाइन, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, इमाइन इनामाइन, इमाइन और क्या है इनामाइन डोपामाइन, इमाइन इनामाइन डोपामाइन, और भी होती है खत्म नहीं होंगी। और देखो तुमने नाइट्रोस का वर्ड सुना है, सुना ही होगा इसका, तो नाइट्रोस हो क्या है, एन ओ, ठीक है, एन ओ ग्रुप, ठीक है। तो इधर ध्यान दो सी एच टू डबल बॉन्ड एन ओ है, ठीक है। तो सी एच टू किसमें और इसमें कुछ खास फर्क नहीं है, बस वो सी एच बैठा था यहाँ एन बैठा था, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है, इसको तुम कौन सा फॉर्म बोलते हो, नाइट्रोसो। ये इमाइन इनामाइन डोपामाइन मॉलिक्यूल ये कौन सा, नाइट्रोसो, ठीक है। और अगर ये नाइट्रोसो फॉर्म है, ठीक है, तो इसकी डोपामाइन स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्सीजन पे सर डोपामाइन स्ट्रक्चर क्या होगी, माफी सी एच टू डबल बॉन्ड एन और उसके साथ ओ एच। आप लोगों को पता है ये वाली जो फॉर्म होती है इसका वर्ड, इस वर्ड को हमने एक बार कोऑर्डिनेट में भी मैंने ऐसे रैंडमली थोड़ा सा बताया था, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक में तो आप ये चलते कई बार इसको यूज करना है, ये कौन सा फॉर्म है, ऑक्साइम है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, और मुझे तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह में भी यूज करना है। इस फॉर्म के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हो, सी डबल वन एन ओ एच का, और इसकी तो बहुत ही रुक होती है, तो वो नाइट्रोस है और ये ऑक्साइम है। तो इस ऑटोमेरिज्म को किस नाम से लिख सकते हो, नाइट्रोसो, पहले मैं बनवा दे रहा हूँ फिर उसका नाम लिखा, नाइट्रोसो ऑक्साइम डोटोमेरिक, नाइट्रोसो ऑक्साइम डोटोमेरिक, ठीक है। उसके बाद एक और सुन लो, उसके बाद जो है एक और सुन लो, और क्या सुन लो, सी एच टू एच और एन डबल बोन को, ये कौन सा ग्रुप करता है, नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। नाइट्रो में भी तो ए बी और सी आ गया, और ए बी और सी आ गया, तो इसकी जो दूसरी फॉर्म होगी, ठीक है, यूक्लिनियम में जो होगी उसको कैसे बनाया जाएगा, बोलो बोल दो क्या बनाऊ इसका, यूक्लिनियम फॉर्म सी एस टू डबल बॉन्ड है, ये तो एज इट इज दिखाओ और यहाँ पर ओ एच, ये तो सबको पता है कौन सी फॉर्म है, नाइट्रो। इसको मैं बता दे रहा हूँ अलग से क्या बोला जाता है, एस आई फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा टोटोमेरिज्म बोलेंगे, इसको नाइट्रो एस आई टोटोमेरिज्म, ऑर्गेनिक वाले हिस्से में जो मेन चीजें पढ़ानी होती है, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एनायन और वो सब बातें जो बतानी है, ठीक है। तो वो सब सीख के बगैर मैं आप लोगों को बीच में, ठीक है, 15 मिनट पक लेना थोड़ा सा और क्या आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा कुछ दिनों बाद कॉपी खोल के इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करना, उस टाइम और अच्छे समझ में आ जाएगा जब मैं पढ़ा चुका हूँ। खासतौर पर एसिडिक स्ट्रेंथ तो मैं बोल रहा ना, ये जो एच प्लस इधर उधर नाच रहा है, ठीक है, ये एच प्लस का इधर उधर नाचना अपने आप में क्या है, इंट्रा मोलिकुलर एसिड बेस जैसा है, ठीक है। ये जो एच प्लस इधर उधर नाच रहा है ना, ये कोई बहुत बड़ी अलग चीज नहीं है, ये अपने आप में इंट्रा एसिड एच प्लस देगा, अमोनिया एच प्लस लेगा, वो अलग दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो एच प्लस दो एटम के बीच में नाच रहा है वो भी अपने आप में किस कैटेगरी का लिया जाएगा, इंट्रा मोलिकुलर एसिड बेस कैटेगरी का एक केस है, ठीक है। और इंट्रा मोलिकुलर एसिड बेस, चलो एक काम करते हैं, ठीक है, अपने ये तो बता दिए कि ये कहाँ होगा, किस टाइप के मॉलिक्यूल में ये जो है टोटोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो उसके अलावा अभी तुम एक काम इतना कर लो कि कुछ टेस्ट छोड़ के चलो, ठीक
यार कम से कम दो पे छोड़ के चलो, फिर मैं अभी पढ़ाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि ऊपर से निकल जाएगा हमारे को। पहले मैं प्रॉपरली एसिडिक स्ट्रेंथ और इनका कंपेरिजन करवा दूँ, फिर कुछ खास बातें बता दूँ, फिर उसके बाद मैं इस जाऊँगा क्योंकि प्रोटोमेरिजम होने की एक प्रॉपर मैकेनिज्म होती है। फिर ये जस्ट दो स्ट्रक्चर का नाम रिलेशन नहीं है, दो प्रोटोमेरिक स्ट्रक्चर बनती क्यों है, उनके बीच की मैकेनिज्म क्या होगी, उसका भी डिटरमाइनिंग स्टेप वगैरह भी अपने को पढ़ना होता है। तो उस चीज को मैं कराता हूँ दो पेज छोड़ के चलो, उसके बाद दोबारा आकर के इस चीज को कवर करूंगा मैं। उसमें अपने को एक्चुअली इन ऑल कंटेंट और इनकी परसेंटेज और कई सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी और वो ऐसे नहीं हो पाएगी। आगे चलो रजू, टोटोमेरिज्म जब अपने इतना करके छोड़ ही दे रहे हैं। अच्छा एक चीज तो फिर भी करोगे, क्या चीज करोगे? देखो इसके अंदर अगला एक मेन चीज पे आओ तुम लोग, इसके अंदर आओ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और कन्फर्मेशनल का मतलब हम लोगों ने क्या है, स्पेशियल फॉर्म में जो आइसोमेरिज्म होती है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर करने से जो होती है उस पे आ गए और ये ज्यादा जरूरी है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म किस वजह से आती है, पहला तो क्या कारण है उसके आने का, ये आती है भाई सिंगल बॉन्ड के अभाव, क्या होता है रोटेशन होता है, तो या तो रोटेशन की वजह से आती है या एक कारण और बताऊंगा, या दो कारणों से आती है। अच्छा पहले तो ये बताओ सिंगल बॉन्ड के अभाव रोटेशन होता है, ठीक है, बॉन्ड किस बॉन्ड के अभाव रोटेशन नहीं होगा, किस किस कंडीशन में जो रोटेशन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, डबल बॉन्ड के अभाव होगा रिस्ट्रिक्ट, मतलब बाई बॉन्ड के अभाव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता ही होता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बाई बॉन्ड के अभाव तो होना ही होना है, डबल बॉन्ड के अभाव रोटेशन नहीं हो सकता, ट्रिपल बॉन्ड के अभाव रोटेशन नहीं हो सकता, ठीक है, या सिंगल बॉन्ड के अभाव ऑलवेज रोटेशन हो सकता है, सिंगल बॉन्ड के अभाव भी ऑलवेज रोटेशन नहीं हो पाता, ठीक है। एक बार सुनो, कल को अगर एक बेंजीनिंग इस टाइप की है, ठीक है, और एक बेंजीनिंग जो है वो क्या इस टाइप की, यहाँ पे मैंने जानबूझ के बेंजीन को ऐसा शो किया जैसे लेटा हुआ और ये बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा हुआ है, अब यहाँ पे मैंने दो बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, एक NO2 लगा दिया और एक COH, यहाँ पे भी मैंने NO2 लगा दिया COH, ठीक है, तो क्या ये वाला जो बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन क्या ये दोनों रोटेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई, सीधी सी बात है क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो ग्रुप ऐसे तब तक तो वो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जब रोटेट करेंगे तो ये दोनों ग्रुप भी आपस में एक दूसरे को क्या रोकेंगे, ठीक है, इसको हम लोग स्टेरिक फैक्टर की वजह से बोलेंगे, ठीक है, स्टेरिक फैक्टर की वजह से स्टेरिकली ये जो रोटेशन है वो क्या हिंडर्ड है, नहीं हो सकती, ठीक है, तो केमिस्ट्री में एक चीज बहुत बार अपने को अब तो रिपीट करनी है, इतने दिन से उसका पीछा छुटा हुआ था, अब आएगा कौन सा फैक्टर, मोटापा फैक्टर, साइज फैक्टर, ठीक है, हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये बहुत आने वाला, ठीक है, तो अब से वो चीज स्टार्ट होगी और अब आके तो कई बार आएगी, ठीक है, तो ये मोटापा फैक्टर की वजह से क्या है रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी ऐसे तो रह लेंगे ये दो दिन, ठीक है, लेकिन जब इसके अबाउट रोटेट करोगे तो ये दोनों ग्रुप जो है वो एक दूसरे को बोर्ड पे लिखना अलग बात है, सी डबल बॉन्ड को पूरा ऊपर फैला के लिखोगे तो बोर्ड पे भी ये स्पेस लेगा, ठीक है, तो वही चीज है कि जब इसको रोटेट करोगे तो ये दोनों ग्रुप भी इसको सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट नहीं होने देंगे, ठीक है, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ही स्टार्ट किया, उससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपने को ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट पढ़ना है इसमें दो बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है, किन दो बातों का, कि कब हिंड्रेंस कब रोटेशन होगी और कब रोटेशन नहीं होगी, वो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल कन्फर्मेशनल तीनों में काम आने वाला है, ठीक है, तो रोटेशन कब कब नहीं होगी, पाई बॉन्ड के अबाउट तो नहीं होनी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट नहीं होनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट ऑलवेज होगी, ठीक है, एक तो क्यों नहीं होगी, स्टेरिक फैक्टर की वजह से, ठीक है, एक दूसरा देखो, अगर कोई बॉन्ड, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में कोई सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड अगर साइक्लिक फॉर्म में है तो ये एच और ये एच,
ठीक है, तो है तो सिंगल कौन है, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ रोटेशन हो पाएगी? साइक्लिक फॉर्म में है तो रोटेशन नहीं हो पाएगी, क्यों? रोटेट करने का मतलब कि आपको इस हाइड्रोजन को इसके अंदर से गुजारना होगा, ठीक है। अगर रोटेशन का मतलब समझते हो रहा है, रोटेशन का मतलब पकड़ के पूरा नहीं घुमाना, पूरा तो हर कोई घूम जाता है, तो तुम भी घूम देखोगे, ठीक है, पूरा तो नहीं घुमाना, क्या करना है, एक को फिक्स करके दूसरे को घुमाते हो तो उसको रोटेशन से मतलब होगा, कहीं तो सोचें से घुमाने में तो वैसे ही घुमाते, वैसे ही घुमाने में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो वैसा ही मॉलिक्यूल है, वो तो सेम ही चीज है, ठीक है, उनका आपसी जो ओरिएंटेशन है वो तो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। बात होती है कि क्या करने की, एक को पकड़ के दूसरे को घुमाने, तो इसको बाकी को पकड़ के रखो, इसको घुमाने की कोशिश करो, क्या घूम जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या इस रिंग के अंदर से गुजर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का रोटेशन तीन के मतलब जो ये सिग्मा बॉन्ड अगर साइक्लिक फॉर्म में भी प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में भी इस टाइप के कंडीशन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड जो क्या नहीं हो पाएगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो पहली बात, क्योंकि हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें ये चीज मैटर करेगी कब रोटेशन होगा और कब रोटेशन नहीं होगा। कन्फर्मेशनल तो एक अलग चीज है, ठीक है, क्योंकि स्टीरियो में जो दो बातें आएंगी, एक सिग्मा बॉन्ड के वक्त रोटेशन ना होने से बनता और एक सिग्मा बॉन्ड के वक्त रोटेशन होने से बनता है, ठीक है। तो पहले तो लिखो तुम लोग कंडीशंस अंडर विच, कंडीशंस ये अलग है, कन्फर्मेशनल बाद में स्टार्ट कर रहा हूँ, कंडीशंस अंडर विच देयर कैन नॉट बी रोटेशन अबाउट ए बॉन्ड, कंडीशंस अंडर विच देयर कैन नॉट बी रोटेशन अबाउट ए बॉन्ड, देयर कैन नॉट बी रोटेशन अबाउट ए बॉन्ड। उन कंडीशन में पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है, अबाउट पाई बॉन्ड, पहले दो लिखो, रोटेशन इज, रोटेशन कैन नॉट टेक प्लेस अबाउट पाई बॉन्ड, रोटेशन कैन नॉट टेक प्लेस अबाउट पाई बॉन्ड, रोटेशन कैन नॉट टेक प्लेस अबाउट पाई बॉन्ड। दूसरा तो वही अब ब्रैकेट में डबल बॉन्ड वगैरह बना के अपने बना सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों के अबाउट रोटेशन नहीं होने वाली है। दूसरा कब नहीं होगा, इवन अबाउट सिग्मा बॉन्ड अंडर स्टेरिकली हिंडर्ड कंडीशन, इवन अबाउट सिग्मा बॉन्ड अंडर स्टेरिकली हिंडर्ड कंडीशन, इवन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इवन अबाउट सिग्मा बॉन्ड अंडर कौन सा, स्टेरिकली हिंडर्ड कंडीशन, ब्रैकेट में लिख लेना, ड्यू टू मोटापा फैक्टर, ड्यू टू कौन सा फैक्टर, मोटापा फैक्टर, मोटे मोटे ग्रुप लग जाएंगे, घूमने नहीं आएंगे बेचारे, स्टेरिकली हिंडर्ड कंडीशन। और ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, ड्यू टू मोटापा को हिंदी में लिखा, अंग्रेजी में लिखा जाता है, अंग्रेजी में हिंदी हिंदी, ड्यू टू मोटापा फैक्टर। तीसरा क्या था, बॉन्ड प्रेजेंट इन ए साइकिल, तो साइकिल का जो बॉन्ड होगा उसमें भी जो बाकी ग्रुप वगैरह लगे होंगे, ठीक है, तो वो हो सकता है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिखा देना, ठीक है, इस टाइप की कंडीशन में तुम चाह के भी इस कार्बन को ऐसे नहीं घुमा पाओगे कि वो घूम के क्या है अंदर से, इसके जो हाइड्रोजन है वो इस रिंग को क्रॉस करके घूमते रहे, ठीक है, ऐसे नहीं घूम पाएगा, तो ये भी एक टाइप का स्टेरिक फैक्ट्री है, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, स्टेरिक फैक्ट्री है कि उसका बाकी जो पोर्शन है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा रोटेट करना, ठीक है। तो दो तीन कंडीशन है जहां पे क्या नहीं होती है, रोटेशन नहीं होती है, ठीक है। अब बात आती है, कौन सी बात आती है, इधर ध्यान दो, अगर हमारे पास दो कार्बन लिए, मान लो इथेन ले लिया, तो इथेन जो होता है, इथेन की कौन कौन सी फॉर्म होती है, मतलब फॉर्म बोल गया, पहले तो बताओ, इथेन के अंदर दो कार्बन है, ठीक है, और दोनों पे तीन तीन हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये जो तीन तीन हाइड्रोजन है, ठीक, तो इसको अगर हम लोग क्या कहें, इथेन का अगर केस ले रहे हो, तो हम लोग
इस कंडीशन में या जो कंफर्मेशन है उसको पढ़ने के लिए हमेशा दो एटम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, दो एटम को व्यू करेंगे और उन दो एटम के ग्रुप को व्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने दो ही कार्बन लिए तो मैं दोनों कार्बन को उठा ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं थोड़ा अलग तरीके से व्यू करने की बात कर रहा हूँ कि ये कार्बन है और ये कार्बन हम साइड से देख रहे हैं, मान लो इसका एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या है थोड़ा इस साइड से बाहर की तरफ है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इसकी अंदर की तरफ है, ठीक है, वही है एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसका क्या है बाहर की तरफ है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इसका अंदर की तरफ है, ठीक है। तो अगर तुम लोग यहाँ सामने से देखोगे, ठीक है, पहली बात इस रिप्रेजेंटेशन को कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, वेज डैश, ठीक है, वेज फॉर्म और डैश फॉर्म, ठीक है। तो ये जो डार्क करके दिखाते हो उसका मतलब होता है कि ये प्लेन से ऊपर आ रहा है, और ये जो डॉट डॉट करके दिखाते हो ये डैश फॉर्म में दिखाते हो कि प्लेन के अंदर जा रहा है, और जो नॉर्मल लाइन दिखाते हो वो बोर्ड के ऊपर या प्लेन के अंदर का हिस्सा है, ठीक है। तो बात यह है कि अगर तुम यहाँ से देखते हो इसको, ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो तुम्हें कितनी फॉर्म दिखाई देगी, कितनी क्या क्या दिखाई देगी, इसमें भाग्य वाला ही दिखाई देगा, पीछे वाला पूरा पूरा उससे क्या छुप जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये इसकी वेज डैश है, अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसके अलावा क्या पॉसिबल है, रोटेशन, ठीक है। तो अगर रोटेशन पॉसिबल है तो रोटेट करता रहेगा, ठीक है, एक को फिक्स करके जब रोटेट कराते रहोगे, ठीक है, तो ये उस आगे वाले हाइड्रोजन का पीछे वाले हाइड्रोजन वाली जो लाइन है, कार्बन हाइड्रोजन वाली लाइन, उसके साथ लगातार एंगल क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। कितने एंगल अचीव करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल ही ना लेगा, हर एक छोटा 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 घुमाते जा रहे हो उसका एंगल क्या चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो एक टाइम से जब ये रोटेट करता रहेगा, ठीक है, तो इसकी कितनी स्पेशियल अरेंजमेंट बनेगी, ठीक है, चेंज होकर इनफाइनाइट नंबर बनेगी, ठीक है, और इस इनफाइनाइट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन बोलते हैं। अगर कभी किसी को बोला जाए कि कितनी कंफर्मेशन होती है तो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो रोटेशन तो चलता रहता है और चलता रहेगा तो ऑब्वियस बात है इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होगी, कंफर्मेशन होती है। कंफर्मेशनल आइसोमर्स क्या है, कंफर्मेशनल आइसोमर्स होता है कि जब इसको हम लोग ऐसे घुमाते रहते हैं, ये घुमाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें कुछ चीजें जो है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होंगी जो अपने आप में स्टेबल होंगी, या तो कुछ हाईली अनस्टेबल होंगी या कुछ स्टेबल होंगी, ठीक है। तो वो जो स्टेबल फॉर्म जितनी भी बनती है उन स्टेबल फॉर्म को तुम लोग क्या काउंट करते हो, कंफर्मेशनल आइसोमर्स। कंफर्मेशन अलग वर्ड है, कंफर्मेशनल आइसोमर अलग वर्ड है, मैं बताऊंगा, ठीक है, खासतौर पर जब ब्यूटेन वाला एग्जाम्पल, ब्यूटेन वाले एग्जांपल से चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। तो हम लोग जब इथेन को ऐसे घुमाते जा रहे हैं, ठीक है, तो घुमाते जाने से क्या हो रहा है, घुमाते जाने से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन बन गई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट बन गई है। मैं पहले भी एक बार बता चुका था दो तीन क्लास पहले कि कंफर्मेशन को हम ट्रू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्यों नहीं लेते, क्योंकि बाकी में तो आइसोमेरिज्म क्या है, दो मॉलिक्यूल के रिलेशन का नाम है, यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल घूम घूम के क्या हो रहा है, अलग अलग कन्फर्मेशन बना रहा है और वो भी इनफाइनाइट नंबर में बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट आइसोमर बन गए, ठीक है। बात यह है कि और कन्फर्मेशनल आइसोमर के नाम पे अगर हम पढ़ते भी हैं तो हम उन कन्फर्मेशन को पढ़ते हैं जो इस रोटेशन के दौरान स्टेबल फॉर्म की है, ठीक है। तो जो जो अपने आप में स्टेबल होंगी, लोअर एनर्जी की होंगी, ठीक है, तो उसको हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर का नाम देंगे, ठीक है। बाकी कन्फर्मेशन तो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अरे इसी वेज डैश फॉर्म में घुमाते मान लो मैं इसको पूरा 180 घुमा दूं तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, इसको कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमने क्या किया, सिर्फ एक को घुमाने की बात करी है, तो ये पहली चीज है, ठीक है, और ये वाला क्या चेंज हुआ है, ठीक है, ये आगे वाला, तो इसका जो ऊपर एच वो पूरा पूरा क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये थोड़ा ऊपर नीचे वाला एक हाइड्रोजन वो है ऊपर में आएगा लेकिन पीछे की तरफ, और एक हाइड्रोजन क्या आगे की तरफ आ जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये वाला सीन बन जाएगा इस केस का अगर पूरा घुमा रहे तो, अच्छा ये तो तुम लोग इसको साइड से देख रहे हो, सामने से खड़े होकर देख रहे हो, अगर तुम एक कार्बन की तरफ से देखते, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है। ये तो चलो कौन सा अलग रिप्रेजेंटेशन था, वेज डैश नाम से ही क्लियर है और कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं।
25 25 रिप्रेजेंटेशन तो कई बार फॉलो करिए। उसके अलावा हम लोग एक और फेमस रिप्रेजेंटेशन लेते हैं क्या, यहाँ पे अगर तुम बिल्कुल सामने खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है, ये क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, यहाँ स्पेशियल अरेंजमेंट को देखना है, तो यहाँ यही चीज मैटर करेगी कि किस चीज को किस एंगल से देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ सामने खड़े होके देखोगे तो सामने खड़े होके देखोगे तो एक कार, क्योंकि तुम्हें सामने खड़े हो जाओगे, दो एटम लेने होते हैं, दो एटम को अगर सामने से देखोगे तो एक एटम पिछले वाले एटम से तो छुप ही गया, ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक एटम को डॉट फॉर्म में शो करेंगे और एक एटम को सर्कल फॉर्म में, ठीक है, बॉल फॉर्म में, सर्कल फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो डॉट है, ये डॉट वो वाला एटम है जो तुम यहाँ से देख रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये कार्बन एटम जो डॉट का काम करेगा आगे वाला, और ये पीछे वाला क्या सर्कल फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब बात ये कि अभी जब तुम देखोगे तो कितने एटम दिखाई देंगे, अच्छा इनके बीच का एंगल कितना है, इन सबके बीच 109 डिग्री के आसपास कुछ है, ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ, ठीक, कि अगर ये भले ही मेरे सामने यहाँ पे इनका एंगल कुछ है, ठीक है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ या तुम यहाँ से देख रहे हो, तो इनका एंगल वो 120 नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी जो परछाई बनेगी पीछे की तरफ उस पे एंगल कितना, 120 है, उनका एंगल तो 120 होगा, ये तो थ्री डायमेंशनल होने की वजह से, इनका एंगल तो 120 नहीं है, लेकिन इसकी परछाई जो बनेगी बन भी रही है पर दिख नहीं रही, ठीक है, तो क्या होगा, परछाई का मतलब क्या, इसको एज इट इज बोर्ड पे क्या करो, छाप दो तो तीन लाइनें ना बनेंगी, और उन तीन लाइनों के बीच में क्या होगा, वो तो 120 एंगल रखेगा ना, ठीक है। तो कार्बन का एक बॉन्ड जो था वो तो हमने इस पीछे वाले कार्बन की फॉर्म में दिखा दिया, दूसरा हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, छाप रहे हैं उस चीज को बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो बोर्ड के ऊपर छाप रहे हैं, तो भले ही यहाँ पे 120 नहीं होंगे, लेकिन बोर्ड पे जो छप के आएगा तो 120 एंगल हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग एक हाइड्रोजन आगे वाला ये हो गया ऊपर वाला, एक हाइड्रोजन तुम्हें इधर दिखाई देगा 120 एंगल पे, एक हाइड्रोजन क्या इधर दिखाई देगा, ठीक है, पीछे वाले का क्या सीन होगा, है पीछे वाले का भी तो वही सीन होगा, इस बार हाइड्रोजन हमें दिखाई तो देगा ही नहीं, लेकिन पता तो है ना ये है, इसलिए हम लोग यहाँ ये वाली लाइन खींचते हुए ये किसको दिखा दी, पीछे वाले हाइड्रोजन को दिखा दिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है, पीछे वाले हाइड्रोजन को दिखा दिए, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग पर वो यहाँ इससे स्टार्ट करेंगे, पीछे वाले हाइड्रोजन को दिखाई, इनडायरेक्टली ये दिखाना चाह रहे हैं वो एक दूसरे छुपे हुए हैं, ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ सामने खड़ा हो जाऊंगा तो कितने आइटम दिखाई देंगे, ये कार्बन कार्बन तो ये अपना छुप जाएगा, ठीक है, लेकिन ये दो हाइड्रोजन सामने वाले के दो हाइड्रोजन ऐसे दिखेंगे तो बीचों बीच मुझे एक हाइड्रोजन उधर से दिखाई देगा, ठीक है, कितने दिखाई देंगे, छह दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसको अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़े तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, सर्कल बनाया, ठीक है, और वो डॉट बनाया, कार्बन एक आगे वाला कार्बन हो गया, एक पीछे वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आगे वाले कार्बन, तो इसके दो हाइड्रोजन मुझे एक इधर फैला हुआ दिखाई देगा, ये क्या है, इधर दिखाई देगा, और एक बिल्कुल इसी नीचे दिखाई देगा, पीछे वाले का क्या, एक ऊपर दो नीचे, ये जो दो फैले हुआ हाइड्रोजन उसके बीचों बीच से क्या, ये वाला हाइड्रोजन एक ऊपर दो नीचे, इसको मैं यहाँ दिखाऊंगा, तो शुरू करने का जो एंड होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन इधर दिखाई देगा, एक इधर दिखाई देगा, 120 एंगल रखते हुए, पहले इसको उतारो फिर आगे उतारो। ये जो प्रोजेक्शन जिसकी बात चल रही थी इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में करना क्या होता है, दो एटम सिलेक्ट करके, ठीक है, उनमें हम लोग क्या करते हैं, एक एटम को डॉट फॉर्म में और दूसरे एटम को सर्कल फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है, मैंने अभी बोला वॉल डॉट रिप्रेजेंटेशन, वॉल और डॉट रिप्रेजेंटेशन, वॉल डॉट रिप्रेजेंटेशन, जिसका मतलब ये है कि एक जो है डॉट वो एक एटम है, और एक ये जो सर्कल टाइप फॉर्म में ये दूसरा एटम है, और उसको हम लोग व्यू कर रहे होते हैं आमने सामने, दोनों को आमने सामने रखकर, दो एटम एक दूसरे से छिप जाने चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद उसके जो ग्रुप्स हैं उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक प्रोजेक्शन और रिप्रेजेंटेशन और होती है, वो होती है शो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, शो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो शो और रिप्रेजेंटेशन क्या होती है उसकी बात कर लो, ये भी बिल्कुल इसी न्यूमैन टाइप का ही सीन है, ठीक है, न्यूमैन टाइप जैसा ही केस है, लेकिन इसमें क्या है, वो जो डॉट और बाल बनाई गई थी उस डॉट और बॉल की वजह से तुम लोग इस टाइप का एक लाइन खींच लेते हो, ठीक है, तिरछी लाइन,
और उस पेंसिल लाइन पे त्रिशूल टाइप बना देते हो, ठीक है। त्रिशूल टाइप में क्या है, जैसे अब उसका सीन है, ठीक है, तो उसका त्रिशूल अंकिया को उल्टा बनाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। किस टाइप में, ये एक, ये एक, ये वाला एक लाइन खींचती है त्रिशूल टाइप में, ठीक है, एक इसका इसका भी क्या है, दोनों एटम ऐसे आगे और पीछे हैं और ये भी बना दिया, मतलब एटम आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो उस वाली फॉर्म, वो वाली फॉर्म, इस फॉर्म में जब आओगे तो इधर वाले को एक का त्रिशूल कैसा चला गया, ऊपर हो गया, एक का वही क्या है, नीचे की तरफ वाला त्रिशूल है, तो त्रिशूल टाइप में दिखाना है, दो पॉइंट को पकड़ लो, एक पॉइंट, एक कार्बन तुम्हारा आगे वाला कार्बन है, एक कार्बन तुम्हारा पीछे वाला कार्बन है, तो इस केस ये वाला सीन और ये वाला जो सीन है वो उसके लिए अप्लाई हो रहा है। बाकी जब हम लोग इसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे तो इस फॉर्म को हम लोग फॉर्म के नाम से जानते हैं, एक्लिप्स फॉर्म से, ठीक है, जहाँ पे आगे वाले एटम पीछे वाले एटम को क्या करें, कवर कर ले रहे हैं, ढक ले रहे हैं, एक्लिप्स का मतलब जानते ही हो, ठीक है। और इसको हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म से, ठीक है, ये वाली फॉर्म कौन सी है, एक्लिप्स फॉर्म। तो इनके हम लोग अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो उनके कन्फर्मेशन का कर रहे हैं, हालांकि कन्फर्मेशन इनफाइनाइट बनेगी, लेकिन हमने वहां पर्टिकुलरली दो उठाई हैं, ठीक है, तो दो उठाई हैं और उनको अभी मैं और डिटेल में बता रहा हूँ। उससे पहले मुझे कुछ वर्ड क्लियर करने हैं, ठीक है। तो एक तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स, और ये कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड, ठीक है। और एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म को या तो वेजलेस फॉर्म में, नीचे वाला कौन सा, न्यूमैन फॉर्म में, ये न्यूमैन फॉर्म जो है ना, ठीक है, ये फॉर्म हमारे को एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह जब होती है, ठीक है, E1, E2, खासतौर पे E2, ठीक है, तो उसमें बनने वाला प्रोडक्ट किस बनेगा, ट्रांस बनेगा, उसकी प्रोडक्ट किस स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, ठीक है, उसको अगर समझना है तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन की जरूरत बहुत पड़ेगी, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना आना चाहिए अपने को, ठीक है, बनाने वाले हम किसी को भी उठा करके उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आइडिया ले सकते हैं, लेकिन न्यूमैन प्रोजेक्शन सबसे आसान रहेगा प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री समझने में, ठीक है। और इधर तुम्हें बताई दिया 100 वर्ष में क्या करते हैं, ठीक है, 100 वर्ष में पहली बात ये जो सीन है, यहाँ पे दो आइटम लेते हैं, वहां भी दो लिए, लेकिन यहाँ दो आइटम को एक लाइन के थ्रू शो करते हैं, एक आगे वाला आइटम हो गया, एक पीछे वाला आइटम हो गया, बाकी बचे हुए तीन ग्रुप को तुम्हें त्रिशूल वाले तरीके से दिखा देते हो, ठीक है। वही है, इसमें वो आगे और पीछे वाला त्रिशूल एक दूसरे को ढक रहा, और इसमें क्या आगे वाला त्रिशूल और पीछे वाला त्रिशूल एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा एक्लिप्स फॉर्म और ये कौन सा स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पहले तो ये लिखा हमने एक्लिप्स फॉर्म क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है, उसके बाद आके स्टार्ट करो इसमें, ठीक है। कुछ टर्म्स जो है पहले कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स का पढ़ लेना जरूरी है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है जरा देख लो, ठीक है।
यहाँ तो क्या है रोटेशन भी होगा सिंगल बॉन्ड के अबाउट और ये एंगल भी क्या होगा चेंज होगा ठीक है। इसको तुम कैसा मान सकते हो जिसको तुम कैसे मान के चलो ठीक है। इसको प्रॉपर तरीका जो होगा डिफाइन करने का वो ये होगा कि सीधी सी बात है इन दो एटम को तो लेना ही है और फिर एक एटम इससे जुड़ा हुआ है एक एटम इससे जुड़ा हुआ है कितने एटम तीन है हर कोई इधर भी तीन एटम ठीक है इधर भी तीन एटम और इन तीन एटम का तुम्हें पता ही है एक प्लेन बनेगा ठीक है। तो इस प्लेन को देखो यहाँ कार्बन ठीक है तो एक तो ये वाला प्लेन है पीछे वाले का मान लो हाइड्रोजन कार्बन का ठीक है या हाइड्रोजन कार्बन का एक प्लेन हो गया ठीक है। उसी टाइप से इस कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन का क्या है दूसरा प्लेन हो गया और इन दो प्लेन के बीच का जो एंगल है समझ रहे हो ठीक है। कार्बन और कार्बन तो मेरा इस लाइन से जड़ा है मान लो एक हाइड्रोजन मेरी इस हथेली पे आ रहा है और दूसरा इस हथेली पर आ रहा है तो ये प्लेन नाम होगा ठीक है। तो इन दो प्लेन के बीच के एंगल को तुम कौन सा नाम दोगे क्योंकि डेफिनेशन में यही वर्ड मिलेगा जहां भी पढ़ोगे ठीक है। प्लेन की फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है ठीक है। तो इन तीन एटम का प्लेन और इन तीन एटम के प्लेन के बीच में बनने वाले एंगल को तुम कौन सा नाम दोगे ट्राइहेड्रल एंगल दोगे। और बाकी जो वो न्यूमैन प्रोजेक्शन था न्यूमैन प्रोजेक्शन में तो ये एंगल बहुत साफ साफ दिख रहा होता है कैसे साफ साफ दिख रहा होता है एक इसका हाइड्रोजन है और दूसरा इसका हाइड्रोजन है और इसके बीच में कुछ भी चलो मैं हल्का सा ऐसे जोड़ना नहीं होता इस एंगल को हम लोग किसका नाम देते हैं थीटा कौन सा नाम है यही तो कौन सा डाईहेड्रल एंगल है ठीक है। एक आगे वाला लाइन और एक पीछे वाले एटम की लाइन और सामने से देख रहे हैं तो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो डाईहेड्रल है। प्रॉपर डेफिनेशन कहीं बुक वगैरह में पढ़ोगे तो वो इस फॉर्म में होगी कि तीन एटम का जो प्लेन बना दूसरे तीन एटम का जो प्लेन बना जिसमें दो एटम के कॉमन हो जा रहे हैं ठीक है। तो इन दो एटम का जो प्लेन के भी प्लेन समझ रहे हो अब इसको दिख रहा है ना कुछ क्या बोलना चाह रहा हूँ तो इस चीज के इस एंगल को हम लोग किसका नाम दिए डाईहेड्रल एंगल। तो बॉन्ड एंगल से ये कैसे डिफर कर रहा है दोनों सेंस में कर रहा है पहली बात तो बॉन्ड एंगल एक एटम जो जो दो ग्रुप होंगे उसके एंगल को बोलते हैं दूसरी बात वो फिक्स है चेंज नहीं होंगे ठीक है। और इधर के दो अलग अलग एटम के ऊपर के जो बॉन्ड बने उनके एंगल को हम लोग किस नाम से पढ़ रहे हैं डाईहेड्रल एंगल ठीक है। और वो चेंज भी होंगे तो पहले तो ये डाईहेड्रल एंगल है ये वाली चीज जरूर बनाना ठीक है। इसको एक प्लेन टाइप का रूप देना ठीक है इस टाइप का पहले बता दूं अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तिरछी लाइन खींच के कॉपी के पेज जैसा बना देना एक इधर खुला हुआ है दूसरा इधर खुला हुआ है ठीक है। तो एक पेज एक प्लेन हो गया दूसरा पेज दूसरा प्लेन हो गया उन दोनों पेज के कारखाना जानों में वाला काम करोगे पहले ये लाइन खींच दे ठीक है फिर उसको तिरछा सा शेप दे दे बस पढ़ाने से पहले जो नॉर्मल चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो नॉर्मल चीज क्या है कि ये जो रोटेशन वगैरह होगा या सॉरी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज होंगी उन टर्म्स को पढ़ रहे हैं हम लोग ठीक है। अच्छा इसमें दो वर्ड खास तौर पे आते हैं चलो एक तो ये हो गया कन्फर्मेशन दूसरा इसमें एटलीस्ट वर्ड आता है स्टैगर्ड वर्ड आता है एंटी वर्ड वगैरह आते हैं ठीक है। तो एटलीस्ट क्या है उसमें तो साफ साफ समझ में आ रही कि आगे वाले ग्रुप और पीछे वाले ग्रुप एक दूसरे को पूरा ढक लें ठीक है। और दूसरी चीज इसमें दो वर्ड और आएंगे रिपल्सन के नाम पर एक वर्ड आएगा स्टेरिक रिपल्सन ठीक है या स्टेरिक स्ट्रेन बोल दो और एक वर्ड आएगा टॉर्सनल स्ट्रेन ठीक है। ये टॉर्सनल स्ट्रेन क्या और स्टेरिक स्ट्रेन क्या ठीक है तो इन दोनों वर्ड का मतलब समझो ठीक है। यहाँ पे तुम लोग जो भी दो बॉन्ड लिए हुए हो ठीक है मान लो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ ठीक है इस ये एक बॉन्ड है ठीक है ये दूसरे वाले पीछे वाले एटम का बॉन्ड है ठीक है। बॉन्ड बनने का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन से बना ठीक है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में एक बॉन्ड पेयर रिपल्सन बोलते थे तो वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन किसकी किसी इलेक्ट्रॉन पेयर की थी ना लेकिन वो एक ही एटम के अबाउट जो बॉन्ड थे उसके अबाउट थी ठीक है। यहाँ ये बॉन्ड अलग है ये पीछे वाले एटम का बॉन्ड है ठीक है लेकिन इन दोनों बॉन्ड के बीच में भी तो क्या है रिपल्सन है। रिपल्सन बॉन्ड का मतलब क्या उनके इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन है ठीक है। तो ये जो रिपल्सन है इस रिपल्सन को तुम किस नाम से जानोगे और मैं यहाँ ऐसे नहीं लिखना चाह रहा यहाँ पे मैं कोई ग्रुप लगा दे रहा हूँ। तो पहली बात ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर की जो रिपल्सन है ठीक है ये चाहे ग्रुप कैसा भी हो छोटा हो बड़ा हो जैसा मर्जी हो ठीक है इस इलेक्ट्रॉन पेयर की इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिपल्सन लगेगी लगेगी ठीक है। और इस रिपल्सन को तुम लोग कौन सा नाम दो टॉर्सनल स्ट्रेन ठीक है। इसकी वजह से जो स्ट्रेन पैदा हो रही है उसको तुम किसका नाम दोगे टॉर्सनल स्ट्रेन ठीक है जिसको तुम एक नॉर्मल बॉन्ड पेयर रिपल्सन बोल रहे थे
दूसरी बात होती है कि इसके साथ साथ ये भी तो मैटर करेगा ग्रुप का साइज कैसा है। ठीक है, अगर बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो वो बड़े बड़े ग्रुप भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैंने बोला केमिस्ट्री में आपसे अपना एक बहुत बड़ा मोटापा फैक्टर, तो ये जो बड़े बड़े ग्रुप की जो रिपल्स है, ठीक है, मोटे मोटे ग्रुप की जो रिपल्स है, ठीक है, इस रिपल्सन को तुम लोग कौन सा नाम दो? स्टेरिक्स में। ठीक है, तो दो वर्ड अपने को पढ़ने होंगे, एक तो ग्रुप और ग्रुप के साइज की वजह से रिपल्सन लगेगी, ठीक है, तो वो तो स्टेरिक है। अब ग्रुप चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा मर्जी हो, ठीक है, ये बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को यूज करके बनते हैं, और ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, इस बॉन्ड वाले की इस बॉन्ड वाले के साथ जो रिपल्सन रहेगी उसको तुम लोग कौन सा नाम दोगे? टॉर्सनल स्टेम। तो ये दो वर्ड जान लो, क्या है टॉर्सनल स्टेम, क्या स्टेरिक स्टेम, क्या बाकी स्टेम चाहे जो मर्जी हो, किसी मॉलिक्यूल के लिए स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? ये हर टाइप की स्टेम मिनिमम होनी चाहिए, ये हर टाइप की जो स्टेम है वो मिनिमम होनी चाहिए। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू रोटेशन अबाउट ए सिंगल बोन, ये रोटेशन अबाउट ए बोन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू रोटेशन अबाउट ए बोन रोटेशन अबाउट ए बोन और फ्लिपिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। अब फ्लिपिंग वर्ड को मैं आगे क्लियर करूंगा एक एग्जाम्पल में। रोटेशन अबाउट ए बोन और क्या लिखा है फ्लिपिंग, ये फ्लिपिंग वर्ड को मैं आगे क्लियर करूंगा कि ये वर्ड कौन से है, फ्लिपिंग ऑफ द फ्लिपिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। एक एग्जाम्पल सा दे दे रहा हूँ, फ्लिपिंग वर्ड का छाता है, और छाता लग लेके जा रहे हो बहुत तेज आंधी आई हवा चल रही है उसको छाता पलट गया, तो पलट गया तो वो पलटने के दौरान अलग अलग फेस से गुजरा ना, है तो वही छाता ही, लेकिन वो अलग अलग फेस से होके गुजरा तो वो जो डिफेंस बने बीच बीच में वो उसकी एक टाइप की क्या है सुन लो, वो जो अलग अलग फेज आए वो उसी छाते के आए, छाता वही था लेकिन वो पलट गया, ठीक है, तो जो उसमें जो कन्फर्मेशन बदले ना उसकी अलग अलग स्पेशियल अरेंजमेंट हुई ना, ठीक है, तो वो स्पेशियल अरेंजमेंट का बदलाव किस वजह से? रोटेशन अबाउट ए बॉन्ड की वजह से नहीं, तो किसकी वजह से? फ्लिपिंग की वजह से, ठीक है। तो हम लोग ये जान रहे हैं यहाँ पे पहले से ही कि जो कन्फर्मेशन होती है वो केवल नॉर्मल एल्केन्स वगैरह में नहीं होती, साइक्लिक फॉर्म में भी होती है, लेकिन जब मैं साइक्लिक फॉर्म में पढ़ाऊंगा तो तुम लोग क्वेश्चन उठाओगे कि सर साइकिल में तो आपने बोला सिंगल बॉन्ड के वो रोटेशन नहीं होगी तो फिर क्यों हो जाती है, ठीक है, तो साइकिल के अंदर किस वजह से होती है? फ्लिपिंग की वजह से होती है, और वो मैं अच्छे से कवर करूंगा, ठीक है, तो पर अभी तो क्योंकि डेफिनेशन यूज कर लिख रहे हैं तो इसमें लिखना जरूरी था, ठीक है, तो कन्फर्मेशन किस वजह से आती है? या तो रोटेशन जो एक मेन फैक्टर हो गया फ्लिपिंग ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, और आगे लिखो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन, क्योंकि अलग अलग कितनी फेज लेगा वो इस दौरान, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन बट देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन बट ओनली दोज कन्फर्मेशन आर कंसिडर्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमर, but only those forms are considered as conformational isomers, but only those forms are considered as conformational isomers, but only those forms are considered as conformational isomers which are stable, which are stable। अब एक्चुअल कन्फर्मेशन का जो प्रॉपर एग्जांपल है एक तो ब्यूटेन वाला साइक्लोहेक्सेन वाला वो मैं कल की क्लास में लूंगा और उसी से डिस्कस करूंगा, ठीक है, अभी इसको छोड़ो, फिर कल से करते हैं अच्छे से कन्फर्मेशन और आगे की स्टीरियो आइसोमर।